दोस्तों नमस्ते, आप लोग हमारे में स्वागत है। आज हम लोग बनाएंगे सेवई। एक आपको दिखाते हैं कैसे एकदम टेस्टी सेवई बनाते हैं। हाय दोस्तों नमस्ते, हमारे किचन में आप सबका स्वागत है। आज हमारी बिटिया रानी सेवई बनाने जा रही हैं। देखिए यहाँ पे कढ़ाई को हम चढ़ा दिए हैं गर्म होने के लिए। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। इसको गर्म होने देंगे। देखो देखिए हमारा ये गर्म हो चुका है। अब इसमें हम सेवई डालेंगे। देखिए इसमें हमने सेवई को डाल दिया है। देखिए इसको 2-3 मिनट के लिए हम इसको भूनेंगे। देखिए हमारी बिटिया रानी ये सेवई बना रही हैं, कितनी टेस्टी। हाय दोस्तों नमस्ते, आप लोग का हमारे में स्वागत है। आज हम लोग बनाएंगे सेवई एकदम टेस्टी, दिखाते हैं कैसे बनता है। देखिए हमारी गुड़िया रानी सेवई बना रही हैं। अगर आपके घर पे कोई गेस्ट आए और आप उसको जल्दी में कुछ खिलाना चाहती हैं तो जल्दी जल्दी में देखिए कैसे सेवई हम लोग बनाएंगे। इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच हमने घी डाला है। उसके बाद से फिर हम सेवई को 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे। हमारा सेवई भून के तैयार हो चुका है। अब इसमें हम दूध डालेंगे। देखिए हमने दूध को गर्म करके रखा है। अब इसमें हम दूध डालेंगे। देखिए इसमें हम अब दूध डालेंगे। दूध अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब इसमें जितना हम दूध डाले हैं उतना थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें हम स्वाद अनुसार चीनी डालेंगे। हमने चीनी को डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे 2 छोटा इलायची। देखिए ये 2 छोटा इलायची है, इसको हम कूट के और उसमें सेवई में डालेंगे टेस्ट बढ़ाने के लिए। हमने इलायची को कूट लिया है, अब इसमें डालेंगे। देखिए बिटिया रानी इलायची डाल दी। अब इसको मिक्स करेंगे। अब 2-3 मिनट के लिए हम इसको ढक देंगे। देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसको हम 1-2 मिनट के लिए ढक दे रहे हैं। देखिए हमारा सेवई बनके तैयार हो चुका, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें हम डालेंगे केसर। देखिए अब इसे इसका कलर कितना अच्छा आएगा। इसको हम मिक्स करेंगे कि पूरा इसमें ये मिक्स हो जाए। देखिए हमारी बिटिया रानी बनाई है। देखिए हमारा गर्मा गर्म ये सेवई बन के रेडी हो चुका है। हमने आपके लिए निकाल दिया है, आप टेस्ट करके बताइए। ये रहा चम्मच, लीजिए टेस्ट करिए। आप भी सेवई बनाइए और मेहमानों को खिलाइए। ढेर सारा प्यार दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। इस पे तो 1 लाइक तो बनता ही है। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।